भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज़ के बाद ओडीआई सीरीज़ भी होनी है, जो 3 मैचों की होगी, जिसमें एक खिलाड़ी 10 सालों बाद भारतीय टीम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश करेगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे हम बताएंगे वो खिलाड़ी कौन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है, जिसमें भारत 2-0 से आगे है। इसके बाद आने वाले दिनों में 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे, जो रोहित शर्मा की अगुवाई में खेले जाएंगे, जिसका पहला मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसमें टीमों के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, 17 सदस्यीय टीमों का ऐलान हुआ, जिसमें एक खिलाड़ी जो 10 सालों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू करेगा, जिसने 2012 में अपना आखिरी ODI मैच खेला था, नाम है जयदेव उनटकर, जो लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हैं, जिन्होंने हाल ही में सौराष्ट्र की तरफ से शानदार गेंदबाजी की और सौराष्ट्र को पहली बार रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बनाया। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या जयदेव उनटकर को खेलना चाहिए या नहीं।